भारत बनाम न्यूजीलैंड तीसरा और निर्णायक मुकाबला, जबरदस्त रोमांच, और इस बीच भारत को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलता। इनफॉर्म बल्लेबाज लैथम को रनआउट कर दिया महेंद्र सिंह धोनी ने। जी हां, जसप्रीत बुमराह की गेंद यॉर्कर लेंथ थी, बल्लेबाज के पैड और बैट के नीचे से निकलती हुई गेंद सीधा पहुंच गई भारत के विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में, जहां पर रन लेने की कोशिश कर रहे थे लैथम, लेकिन वहां पर रन था नहीं। महेंद्र सिंह धोनी ने जल्दी से गेंद को वापस फेंका जसप्रीत बुमराह के हाथों में, बोरा ने कैच पकड़ा और पकड़ते ही सीधा थ्रो मार दिया और भारत को मिल गई अब तक की सबसे बड़ी सफलता। बुमराह ने रन आउट कर दिया लैथम को। लैथम ने 65 रन की शानदार पारी खेली, 52 गेंदों पर ये बनाए, 7 चौके भी लगाए और भारत बनाम न्यूजीलैंड के इस मुकाबले में अब कीवीज पर भारी दबाव बन गया है। जी हां, जिस तरीके से इस मैच में रोमांच चल रहा है, धड़कने रोक देने वाला मैच है, उसमें भारत को लगातार दूसरे ओवर में यह सफलता मिली। इससे पहले कुमार ने निकोलस को बोल्ड कर दिया था, जिन्होंने 37 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी, और अब भारत को मिली है बहुत बड़ी सफलता। ग्रैंड होम को यह गेंद फेंकी थी, यॉर्कर गेंद थी ऑफ स्टंप के बाहर, इस गेंद को खेल नहीं पाए थे, गेंद सीधा पहुंची विकेटकीपर के दस्तानों में, धोनी ने वापस बुमराह को ये थ्रो किया, बुमराह ने गिल्लियां बिखेर दी और लैथम रन आउट। तो भारत को मिली बड़ी सफलता, जबरदस्त रोमांच के बीच न्यूजीलैंड और भारत का तीसरा मुकाबला।